नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम सिक्स सेमेस्टर सीएनडी सेक्शन के लिए यूनिट नंबर 3 रेशो एनालिसिस, और उसमें हम देख रहे हैं रेशो रिलेटेड टू बैलेंस शीट। तो उसमें से हमारा आज का प्रॉब्लम नंबर 2 है। एक प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है जिसमें हमने 4 वेरियस टाइप्स के रेशो कैलकुलेट किए हैं। आज के इस लेक्चर में भी हम बैलेंस शीट से रिलेटेड रेशोज का कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन प्रॉब्लम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई होंगी, लिंक ओपन करके प्रॉब्लम नोट करना है और आगे कंटिन्यू वीडियो सॉल्यूशन के लिए देखना है। ओके, तो देखिए, फर्स्ट द बैलेंस शीट ऑफ संजय लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज। संजय कंपनी लिमिटेड की बैलेंस शीट हमें गिवन है 31 मार्च 2018। उसी के साथ साथ हमें अदर इन्फॉर्मेशन भी दी है। सेल्स फॉर द ईयर ₹5 लाख, कैश ऑफ सेल्स ₹3,40,000, परचेस फॉर द ईयर ₹2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ₹1,60,000 एंड नंबर ऑफ वर्किंग डेज ₹300। ओके, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और कैलकुलेट करना है हमें। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन अबो। अब वो इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसके बेसिस पे हमें रेशोस कैलकुलेट करना है। फर्स्ट करंट रेशो, सेकंड है लिक्विडिटी रेशो, थर्ड वन इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, फोर्थ है डेटर्स टर्नओवर रेशो, फिफ्थ क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, सिक्स्थ है फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो एंड नेक्स्ट है डेट टू इक्विटी रेशो। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रेशोज आपके कवर हो जाएंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे करंट रेशो। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट रेशो करंट रेशो। ओके, तो चलिए फर्स्ट कैलकुलेशन है करंट रेशो। आप करंट रेशो का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो जो हमें कैलकुलेशन के लिए जो चीज चाहिए, जो पर्टिकुलर एक पॉइंट चाहिए, वो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे, देन उसके बाद करंट रेशो। अब करंट रेशो के लिए क्या चाहिए हमें, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, तो उसका कैलकुलेशन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले करंट असेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट असेट्स, तो करंट असेट्स में देखिए क्या क्या आएगा। करंट असेट्स में बैलेंस शीट में देखिए गुडविल और प्लांट एंड मशीनरी तो नहीं आएगा। देन है स्टॉक, डेटर्स, कैश और मिसक्लिनियस असेट्स। ओके, तो ये चारों असेट्स यहाँ पे आएगी, स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस कैश प्लस मिसक्लिनियस एक्सपेंसेस। ओके, स्टॉक देखिए कितना है, 50,000, डेटर्स है 40,000, देन कैश 35,000 और मिसक्लिनियस एक्सपेंसेस है 25,000। ओके, तो यहाँ पे 35, 60, 60, 1 लाख 50,000। तो यहाँ पे जो करंट असेट्स है वो करंट असेट्स आती है हमारी 1,50,000। करंट असेट्स कितनी कैलकुलेट हुई है, 1,50,000। ओके, अब नेक्स्ट क्या चाहिए और हमें, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज भी कैलकुलेट कर लेते हैं इसी के साथ, करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, तो क्वेश्चन में देखते हैं, शेयर कैपिटल, सरप्लस, डिबेंचर्स तो नहीं आएंगे। देन क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और अदर करंट लायबिलिटीज। ओके, यहाँ पे क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल प्लस अदर करंट लायबिलिटीज। ओके, यहाँ पे क्रेडिटर्स है 40,000। ओके, प्लस बिल्स पेएबल है 35,000। ओके, प्लस अदर करंट लायबिलिटीज है 25,000। ओके, 60 प्लस 40 1 लाख। तो करंट लायबिलिटीज कितनी है यहाँ पे, ₹1 लाख। अब जो चाहिए था हमें करंट रेशो के कैलकुलेशन के लिए, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब करंट रेशो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट होगा करंट रेशो, तो उसका फॉर्मूला है, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स
डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट असेट्स कितनी है 1,50,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज कितनी है रुपीज 1,00,000। ओके, तो करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज करते हैं तो यहाँ पे करंट असेट्स है हमारी 1.5 और लायबिलिटी है 1 के प्रोपोर्शन। ओके, तो करंट रेशियो कितना आएगा यहाँ पे 1.5:1। तो ये हुआ हमारा करंट रेशियो 1.5:1। ओके, अब है सेकंड। सेकंड क्या कैलकुलेट करना है हमें, तो सेकंड कैलकुलेशन है हमारा लिक्विड रेशियो। ओके, लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो के लिए क्या चाहिए हमें, लिक्विड असेट्स और लिक्विड लायबिलिटी। तो लिक्विड असेट्स और लायबिलिटी का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे सेकंड लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के लिए लिक्विडिटी रेशियो इज इक्वल टू क्या चाहिए हमें, लिक्विड असेट्स। ओके, तो पहले लेते हैं लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स कैसे कैलकुलेट की जाती है, करंट असेट्स में से, करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर लेस कर देते हैं, ओके, तो हमें लिक्विड असेट्स मिल जाएगी। करंट असेट्स कितनी है रुपीज 1,50,000। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस देखते हैं, स्टॉक गिवन है, ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो फिलहाल हमें गिवन नहीं है, वो कितना है, तो फिर स्टॉक ही लेंगे, तो स्टॉक कितना है यहाँ पे 50,000। 1,50,000 में से 50,000 अगर लेस कर देते हैं तो यहाँ पे जो लिक्विड असेट्स है वो कितनी बचती है रुपीज 1,00,000। ओके, यहाँ पे लिक्विड असेट्स कितनी है हमारे पास रुपीज 1,00,000, 1,00,000 रुपीज। ठीक है, देन हमें चाहिए लिक्विड लायबिलिटीज। लिक्विड लायबिलिटीज, तो लिक्विड लायबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ पे करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओडी। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो करंट लायबिलिटीज देखिए कितनी है रुपीज 1,00,000। बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है क्या क्वेश्चन में, कहीं पे भी हमें लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे नील कुछ भी नहीं है और डायरेक्टली हमारा जो जो करंट लायबिलिटी है हमारी वही हमारी लिक्विड लायबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे लिक्विड लायबिलिटीज कितनी है हमारी रुपीज 1,00,000। ओके, अब लिक्विड असेट्स हमारे पास है, लिक्विड लायबिलिटी भी हमारे पास है, तो लिक्विडिटी रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी। यहाँ पे लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। ओके, लिक्विड असेट्स कितनी है रुपीज 1,00,000। लिक्विड लायबिलिटी कितनी है, दिस इज ऑल्सो 1,00,000, इट इज ऑल्सो 1,00,000। ओके, यहाँ पे रेशियो कितना आएगा 1, इसको कैसे लिखते हैं हम, प्रोपोर्शन में 1:1, जितनी कम हमारी लिक्विड असेट्स है उतनी ही हमारी लिक्विड लायबिलिटी है। तो यहाँ पे लिक्विड रेशियो जो रहेगा हमारा, लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी नहीं, लिक्विड रेशियो जिसे हम कहेंगे 1:1। ओके, ये हुआ हमारा सेकंड कैलकुलेशन लिक्विड रेशियो 1:1। ओके, देन नेक्स्ट थर्ड रेशियो है हमारा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ओके, तो इन्वेंटरी टर्नओवर मींस, इट मींस स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे थर्ड कैलकुलेशन इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। अब इन्वेंटरी टर्नओवर के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो पहले देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में गिवन है सेल्स और कैश ऑफ सेल्स, ओके, और ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें इजीली मिल जाएगा सीओजीएस,
COGS कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, सेल्स लेस ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर देते हैं तो हमें COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता है। तो सेल्स देखिए कितना गिवन है, सेल्स गिवन है रुपीज 5 लाख। ओके ओके, कैश सेल्स ऑलरेडी हमें कैश सेल्स बताया है 3,40,000। सेल्स फॉर द ईयर मीन्स टोटल सेल्स हुआ है। ओके, यहाँ पे हमें टोटल सेल्स ही लेना है। टोटल सेल्स 5 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000। ओके, तो यहाँ पे हमें COGS मिलता है 3,40,000। ओके, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,40,000। देन क्या चाहिए, एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों स्टॉक है क्या, नहीं है, नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक से काम चला लेंगे। तो यहाँ पे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, कैसा रेशियो है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ओके, तो एवरेज स्टॉक के बदले हम क्या लेंगे यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया है 3,40,000, यहाँ पे 3,40,000 डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है 50,000। ओके, 50,000, इसका आंसर आएगा 6.8 टर्नओवर रेशो है, आंसर रहेगा टाइम्स में। ओके, यहाँ पे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो है 6.8 टाइम्स, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो कितना है 6.8 टाइम्स। ओके, थर्ड रेशो हो गया इन्वेंटरी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, क्लियर। अब देखते हैं फोर्थ, फोर्थ क्या कैलकुलेट करना है हमें, डेटर्स टर्नओवर रेशो। ओके, फोर्थ कैलकुलेशन क्या है हमारा, डेटर्स टर्नओवर रेशो। तो डेटर्स टर्नओवर रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला, डेटर्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू डेटर्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। ओके, अब नेट क्रेडिट सेल्स हमें चाहिए। ओके, तो नेट क्रेडिट सेल्स हमें कैसे मिलेगा, टोटल सेल्स हमारे पास गिवन है 5 लाख और कैश सेल्स हमें पता है 3,40,000। ओके, तो नेट क्रेडिट सेल्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कितना आएगा 1,60,000। ओके, क्रेडिट सेल्स कितना आएगा 1,60,000। यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स हमने कैसे कैलकुलेट किया है, 5 लाख था टोटल सेल्स, उसमें से कैश सेल्स हमने लेस किया है 3,60,000। ओके, तो हमें क्या मिला है, क्रेडिट सेल्स 1,40,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। अब एवरेज डेटर्स के लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स चाहिए, गिवन नहीं है तो क्लोजिंग डेटर्स लेंगे। तो क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं 40,000। ओके, क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं 40,000। तो यहाँ पे डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 40,000। ओके, तो 3.5 डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना आता है, 3.5 टर्नओवर रेशियो है, टाइम्स में आंसर है टाइम्स। ओके, डेटर्स टर्नओवर रेशियो 3.5 टाइम्स। ओके, तो ये हुआ हमारा थर्ड कैलकुलेशन, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ओके,
अब फोर्थ कैलकुलेट करते हैं। फोर्थ कैलकुलेशन क्या है, सॉरी ये फोर्थ था, अब फिफ्थ। फिफ्थ कैलकुलेशन क्या है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ओके, क्रेडिटर्स टर्न, इसका हम एवरेज कलेक्शन पीरियड भी ले सकते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे होगा, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। नंबर ऑफ डेज 365 करते हैं और डिवाइडेड बाय 3.5 कर देते हैं, तो एवरेज कलेक्शन, एक मिनट, 365 डिवाइडेड बाय 3.5 तो हमें 104 एवरेज कलेक्शन पीरियड मिल जाएगा, 104 डेज। ओके, देन अगर मंथ में करते हैं तो 12 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो 3.5, तो हमें एवरेज कलेक्शन मिल जाता है 3.4 थ्री मंथ्स। ओके, तो इस तरह से, तो ये हुआ डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब देखते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, फिफ्थ कैलकुलेशन है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। अब क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स, यहाँ पे क्या आएगा, नेट क्रेडिट परचेस। ओके, तो नेट क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। ओके, अब क्रेडिट परचेस गिवन है क्या, परचेसेस देखते हैं क्वेश्चन में गिवन है क्या। हाँ, परचेसेस फॉर द ईयर कैश और क्रेडिट यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, इट मींस क्रेडिट परचेस है ₹2 लाख। ओके, क्रेडिटर्स देखते हैं कितना है, ₹40,000, तो यहाँ पे क्रेडिट परचेस 2 लाख डिवाइडेड बाय 40,000। ओके, यहाँ पे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कितना आता है, 2 लाख डिवाइडेड बाय 40,000, तो यहाँ पे आता है ₹5। ओके, ₹5, तो यहाँ पे 5 जो है वो रहेगा टाइम्स में, यहाँ पे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है, 5 टाइम्स। ओके, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है, 5 टाइम्स। इसका अगर हमें एवरेज पेमेंट पीरियड अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम, सॉरी मैंने यहाँ पे 365 कहा था, लेकिन यहाँ पे वर्किंग आवर क्वेश्चन में दिए है रुपीज, वर्किंग डेज दिए है 300। ओके, तो 300 से हमें करना पड़ेगा, वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग डेज कितने हैं, 300 डिवाइडेड बाय 5 अगर कर देते हैं तो आंसर आएगा 60 डेज। ओके, तो इस तरह से हुआ क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। अब सिक्स्थ कैलकुलेशन है हमारा फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो। ओके, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो। अब फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो में क्या करना है हमें, तो उसका फॉर्मूला है फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, क्या लेते हैं हम फिक्स असेट्स टर्नओवर में, नेट असेट्स डिवाइडेड बाय टोटल, सॉरी नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल फिक्स्ड असेट्स। तो यहाँ पे हम लेंगे नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल फिक्स्ड असेट्स, नेट फिक्स्ड असेट्स। ओके, नेट फिक्स्ड असेट्स। ओके, नेट सेल्स यहाँ पे कितना गिवन है, ₹5 लाख। ओके, नेट सेल्स गिवन है ₹5 लाख। नेट फिक्स असेट्स देखते हैं कितनी है, गुडविल है 1,50,000 और प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, तो ऐसे कुल मिला के 4,50,000। नेट असेट्स कितनी है, 4,50,000, तो रेशियो कितना आएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 4,50,000, तो रेशियो आता है 1.11। ओके, यहाँ पे 1.11, और ये क्या टर्नओवर रेशियो है, तो टाइम्स में 1.11 टाइम्स, क्या है ये फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो 1.11 टाइम्स। ओके, ये हुआ सिक्स्थ कैलकुलेशन। अब देखते हैं फोर्थ, सिक्स्थ सेवंथ। ओके, डेट टू इक्विटी रेशियो, अभी हमने पिछले भी लेक्चर में ये कैलकुलेट, पिछले भी प्रॉब्लम में कैलकुलेट किया है डेट टू इक्विटी।
ओके, तो डेट टू इक्विटी कैसे मिलेगा? तो डेट टू इक्विटी रेशो, ओके, तो डेट टू इक्विटी रेशो कैसे मिलेगा? इसका फॉर्मूला है डेट टू इक्विटी रेशो इज इक्वल टू डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ओके, तो डेट कितनी है हमारे पास? टोटल डेट। अब देखिए डेट में क्या क्या आएगा, डेटर्स से लेकर तो करंट लायबिलिटी तक। ओके, डेटर्स 1,50,000, क्रेडिटर्स 40,000, बिल्स पेएबल 35,000 और अदर करंट लायबिलिटीज 25,000। ओके, तो यहाँ पे जो डेट है वो आएगी हमारी 1 लाख, ये 1 लाख और ये 1,50,000, 2,50,000। ओके, तो टोटल डेट कितनी है? 2,50,000। कैसे कैलकुलेट किया है? डेटर्स डिबेंचर्स प्लस क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल प्लस अदर करंट लायबिलिटीज। ओके, टोटल कुल मिला के 2,50,000। देन क्या चाहिए हमें? इक्विटी। तो इक्विटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? शेयर कैपिटल प्लस सरप्लस। तो शेयर कैपिटल कितना है? 3 लाख। सरप्लस कितना है? 50,000। तो वो कितना हो जाएगा? 3,50,000। ओके, मैंने ओरल में बताया है, कैलकुलेट आपको करना है और इसका आंसर आएगा 0.71। ओके, डेट टू इक्विटी है, डेट का इक्विटी से, तो वो प्रोपोर्शन में आएगा 0.71:1। तो ये है डेट टू इक्विटी रेशो 0.71:1। ओके, तो इस तरह से ये हुआ हमारा डेट टू इक्विटी रेशो। तो आज के इस प्रॉब्लम में हमने 7th टाइप के बैलेंस शीट से रिलेटेड रेशोज का कैलकुलेशन किया है। करंट रेशो, क्विक रेशो तो ये आपका 2 बार आया है, तो वो उसकी प्रैक्टिस जो है वो आपको आपके अच्छे से हो गई होगी। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो भी इसके पहले भी आया था, आज के इस प्रॉब्लम में भी आया है। डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। इसका जो सेकंड पार्ट है, जैसे डेटर्स टर्नओवर का एवरेज कलेक्शन पीरियड हो सकता है, तो उसे हमें क्या करना है? एक तो ये फॉर्मूला उल्टा कर देंगे, मींस डेटर्स एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365 और 300। इस क्वेश्चन में 300 वर्किंग डेज दिए है, तो 300। ओके, या फिर दूसरा फॉर्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड का, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशो। तो नंबर ऑफ डेज 300 डिवाइडेड बाय 3.5 कर देंगे, तो आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड मिल जाएगा। ओके, वैसे ही क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला से हमने 5 टाइम्स क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो है हमारा, इसका ये फॉर्मूला उल्टा कर देंगे तो हमें एवरेज पेमेंट पीरियड मिल जाएगा, एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेस मल्टीप्लाई बाय 365। ओके, तो या फिर दूसरा फॉर्मूला, एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। इससे भी हमें एवरेज पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करते आ सकता है। ओके, देन है फिक्स असेट टर्नओवर रेशो, ये पहले ही आया है, पहली बार आया है यहाँ पे। फिक्स असेट टर्नओवर रेशो कैसे कैलकुलेट करना है? नेट सेल्स पे रहता है, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स असेट्स, नेट सेल्स। ओके, नेट सेल्स लिया डिवाइडेड बाय फिक्स असेट्स, नेट, तो हमें फिक्स असेट टर्नओवर रेशो मिल गया। और देन है डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल डेट एक्सटर्नल डेट डिवाइडेड बाय इंटरनल डेट। ओके, ये हुआ हमारा सेकंड प्रॉब्लम। इससे रिलेटेड आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, आपको स्मॉल लिटिल प्रॉब्लम आपको बनाए, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बनाए दिए जाएंगे, जो आपकी स्टडी नोट्स होंगी उसके उसमें तो मैं डालूंगी ही, लेकिन आपको इसकी भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और एक दो प्रॉब्लम इसी तरीके से आप सॉल्व करके देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में मुझे लगता है कि हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम आज का जो ये यूनिट है हमारा यहीं पे क्लोज होता है। सेकंड यूनिट के हमने 2 प्रॉब्लम यहाँ पे, जो रेशोज रिलेटेड टू बैलेंस शीट है उसके 2 प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस किए हैं, रेशोज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 3 प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट हमारे 5 प्रॉब्लम हो गए हैं, और रेशो का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट हमारा कवर हो चुका है। अब जो भी कुछ बाकी है, एक तो आपको मैं जो स्मॉल क्वेश्चंस है उसके स्मॉल क्वेश्चंस का पीडीएफ सेंड कर दूंगी, और तो और आपको उसके एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। तो आपको किसी भी बात का, पढ़ाई का टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आपको टेंशन न लेते हुए पढ़ाई करनी है।
ओके जो लेक्चर्स हमारे हुए हैं तीनों यूनिट के लेक्चर्स आप अगर अच्छे से देखते हैं तो आपको जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम सॉल्व करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। आज के लिए यही पे रुकती हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे हमारा यूनिट नंबर 4। ओके यूनिट नंबर 4, ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए एक यूनिट के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।